प्रदेश भर में योग शिक्षा की दुनिया में निशा जोशी योग एकेडमी एक जाना माना नाम है, जो कि समय समय पर योग के क्षेत्र में जनता को जागरूक करने का काम करती रही हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से फ्री योग टीचर ट्रेनिंग कोर्स की शुरुआत की गई, जिसके शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह सोनगिरा रहे और उन्होंने योग की शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों को खास टिप्स दिए। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मिशन कौंते के अंतर्गत योग गुरु निशा जोशी योग एकेडमी और योग गंगा योगिक साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल रिसर्च फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में फ्री योग टीचर ट्रेनिंग कोर्स का शुभारंभ किया गया, जिसमें योग की शिक्षा लेने आए प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए। कुछ कहना है, जैसे आपने बोला कि किससे इंस्पिरेशन मिली, तो जब मैं एनसीसी की तरफ से क्लोजिंग सेरेमनी में आई थी तो पता नहीं था कि होने क्या वाला है, पर जब देखा कि इतने सारे कौनते हैं, मैम का विश्वास इतना अटक है कि इतनी सारी कठिनाई आने के बाद भी मैम अपना मिशन कंटिन्यू रख रही थी और अभी भी रख रही है, और अब मैं इस कौनते मिशन का हिस्सा हूँ, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। तो मुझे इंस्पिरेशन वहीं से मिली कि मैम में इतना नेगेटिव एनवायरमेंट होने के बाद भी इतनी पॉजिटिव एनर्जी है और वो अभी भी उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम कर रही है, तो क्यों ना मैं मैम के साथ रहूँ, मैम जैसी बनने की कोशिश करूँ, उनके सानिध्य में रहूँ, क्योंकि टीचर तो मुझे बहुत मिले अब तक। हमने केजी फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ तक पढ़ाई की, अब कॉलेज भी चल रहा है, टीचर्स तो बहुत होते हैं, पर एक जो गुरु वाली फीलिंग होती है, जो गुरु माँ वाली फीलिंग होती है, वो सच में फर्स्ट टाइम मैम के क्या बोलूँ, इतना अच्छा ये धाम है। एक तरफ से कह दे, हम चाहते थे कि ये घर है, पर ये घर नहीं है, ये कृष्ण का धाम है। हमने यहाँ खाया पिया मस्ती की, इनफैक्ट आप योग तो ठीक है, यहाँ हर तरह की समस्या लेके आ सकते हैं। मम्मी ने डांटा, पापा ने डांटा, फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम, अर्निंग हम भूखे भी आते थे ना, तो हमारी माँ देख के कह देती थी कि तुमने खाना नहीं खाया, जाके खाना खा के आओ। तो हर तरह का समस्याओं का समाधान है ये मिशन कौनते। आप इतनी अच्छी जगह बैठे हो, बिलीव नहीं करोगे, मैंने यहाँ बिताया एक पल, जाने के बाद ऐसा लगेगा जैसे हम आज रोते हैं ना, ऐसा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तुम लोगों को मिशन कौनते स्टार्ट हुआ था, हम कोई देवास से आता था, हम सोचते थे यार देवास से इतनी दूर से क्यों आते, उज्जैन से आता था, मैं खुद 48 किलोमीटर सफर करके आती थी। यहाँ आने के बाद यहाँ पता चला कि हम लोग क्यों आते, और आपके साथ भी पता ऐसे ही होगा, आपके बाद भी बहुत सारे लोग आएंगे और वो भी ऐसे ही आएंगे बहुत दूर दूर से। यहाँ हम लोग बैठना सिखाया मैम ने, बैठते कैसे, इनफैक्ट मुझे तभी भी आज भी मुझे डर लगता है यहाँ खड़े होने में, इतना घबराती थी मैं, ऐसे ऐसे करती थी, ऐसे खड़े होके ऐसे ऐसे करती थी, बिल्कुल ऐसे कुछ भी कर देती थी। बोलना सिखाया कि बोलना कैसे, आप किसको बोलना है, तू किसको बोलना है, इनफैक्ट तू तो किसी को बोलना ही नहीं है, खाते कैसे हैं, बैठते किससे, छोटी से छोटी चीज़ें, आपको स्माइल कब करना है, मैं बोलती थी हमेशा स्माइल करो, और एक्चुअली वो हमेशा स्माइल करते हैं, माँ के साथ बहुत मस्ती करेंगे, वो बहुत प्रेम से आपको रखेंगे, और जब भी आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आप यहाँ पे आके बोलिए, आप प्लीज़ मतलब जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दी जाए उसको फॉलो करना। मतलब मुझे, मैं तो आपको पता ही, मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे तो स्टेज फियर था, यहाँ पे आते से ऐसे कांपने लग जाती थी, मैं सोचती थी क्या बोलूँ, बट फिर भी जो हमें सिखाया गया, मैंने उस पर बहुत अच्छे से स्टडी किया, और माँ ने इतना अच्छे से साइंटिफिक वे में बताया हर आसन का, कि हर आसन का क्या बेनिफिट होता है, किस बीमारी में हमें कौन सा आसन कराना चाहिए और कौन सा आसन नहीं कराना चाहिए, डिप्रेशन एंजाइटी और थायराइड और हार्ट इश्यूज़, मतलब हर चीज़ को लेके आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी पढ़ाई जाएगी यहाँ पर। आप अपनी स्टडीज़ बहुत अच्छी से कीजिए और रेगुलर रहना, क्योंकि हमारे बैच में ऐसा था कि बहुत सारे लोग थे जिनकी 100% अटेंडेंस थी। आप सोचो उस टाइम पर इतना बारिश हो रही थी और मतलब वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और हम लोग फिर भी बारिश में भी आ जाते थे, रेनकोट पहन के छाता लेके आ जाते थे, गीले होके आ जाते थे, और देवास महू रहू इतने दूर दूर से सब लोग आते थे, कभी कोई लोग भूखे आते थे, मम्मी बोलते थे खाना नहीं खाया जाओ ऊपर जाके खा लो, फिर वो ऊपर जाके खाना खा के आते थे, मैंने हो गया, फिर यहाँ पे आके अपनी क्लास कंटिन्यू करते थे, क्लासेस टीचिंग देना, और मतलब आपस में हमारा इतना अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया, तो आज हम इतने टाइम बाद मिले तो ऐसा लग रहा था कि बस यार वो फिर से शुरू हो गया ना हेड स्टार्ट, वो बहुत अच्छा लगता है सच में, आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले हो। और कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए एमपी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह सोनगिरा ने कहा कि योग अपने आप से जोड़ने का संदेश देता है, जिसके जरिए अपने जीवन का लक्ष्य पाया जा सकता है।
लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पर तो पहले से ये मानना है कि कौंतेयचू ये शब्द ही अपने आप में जो है बहुत सारे अर्थ को जो है अपने अंदर समाहित करता है, और जिस योग पद्धति का जो है प्रचार प्रसार इस पवित्र केंद्र से हो रहा है, तो मेरा व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है कि एक मनुष्य जीवन के लिए अगर हम बेसिक नीड की बात करें तो रोटी कपड़ा और मकान, ये एक बेसिक नीड होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसमें सेहत को भी जोड़ना चाहिए और उसमें योग को भी जोड़ना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के बाद इस नए साल की 2 तारीख है आज, तो कैलेंडर नववर्ष में हमें संकल्प लेकर घर जाना चाहिए कि हम रोटी कपड़ा मकान और उसके साथ योग का प्रचार करेंगे, ताकि हम खुद भी सेहतमंद रह सकेंगे और समाज को भी जो है स्वास्थ्य की एक संजीवनी बूटी जो है हम योग के जरिए जो है जन जन तक पहुंचा सकेंगे, जनमानस को ऐसा संकल्प दिला सकेंगे। अपने बारे में मैं कुछ बताने की मुझे आवश्यकता है नहीं, क्योंकि पत्रकार आमतौर पर जो है मंच से दूर रहते हैं, कैमरों के सामने होते हैं लेकिन स्टूडियो में होते हैं। ये पहला अवसर मुझे मैडम ने दिया है कि मैं यहाँ मंच पर भी हूँ। गौर करने वाली बात है कि योग ये शब्द ही अपने आप में जुड़ाव को जो है परिलक्षित करता है, परिभाषित करता है, और हमारी संस्कृति हमारे संस्कार हमें जोड़ने की ही सीख देते हैं, जोड़ने की ही प्रेरणा देते हैं। तो योग पद्धति को आप अपने जीवन में अपनाकर, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का सपना जो है एक संजोने की आवश्यकता है, एक परिकल्पना को जो है साकार रूप मूर्त रूप देने की आवश्यकता है, तो निशा जोशी मैडम के जो प्रयास हैं मुझे लगता है इस आत्मनिर्भर भारत के जो नारे को जो है सही मायनों में सार्थक भी बनाते हैं और आज के इस आधुनिक युग के बदलते परिवेश में प्रासंगिक भी बनाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, एक अचीवमेंट, एक उपलब्धि है, तो तालियां तो जो है यहाँ पर। आप योग गुरु तो हैं ही, उसके साथ साथ माँ वाग्देवी माँ सरस्वती जी की साधक भी हैं, और योग को अपने जीवन में अपनाना, योग के शिखर को छू पाना, ये बहुत आसान काम नहीं है, ये ईश्वर प्रदत्त होता है, और ईश्वर जिन्हें निमित्त बनाता है, जिन्हें माध्यम समझता है, उन्हें इस सक्षम इस काबिल बनाता है, इसके लिए सक्षमता प्रदान करता है। तो ऊर्जा का भंडार है आपके योग गुरु जो है यहाँ पर, और इस योग गुरु के इस संचार केंद्र में जो है जब आप यहाँ पर आकर के सीख रहे हैं, क्योंकि आप ही आने वाले जीवन में जब कल भविष्य में योग गुरु की भूमिका में आएंगे, आप भी इस योग पद्धति का जो है जनमानस में फैलाव करेंगे, जनता तक इस योग पद्धति को पहुंचाएंगे, लोगों की सेहत की चिंता आप लोग करेंगे, तो मुझे लगता है कि इस टेंशन भरे जमाने में, इस खलबली वाले माहौल में, खलबली किस बात की है कि हर व्यक्ति को नेम और फेम जो है मिनटों में मिल जाए, चुटकियों में मिल जाए, है ना, हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है, सफलता पाने का शॉर्टकट ढूंढ रहा है, नाम कमाने का शॉर्टकट ढूंढ रहा है, धन कमाने का शॉर्टकट ढूंढ रहा है। तो ये जो ढूंढने की हमारी जो रिसर्च है, इस रिसर्च और इस खलबली वाले योग में आपको बाहुबली बनाने का यदि कोई बीड़ा उठा रहा है तो आप जैसे। फ्री योग टीचर ट्रेनिंग कोर्स के शुभारंभ अवसर पर कार्यक्रम की आयोजक योग टीचर निशा जोशी ने बताया कि मिशन कौंतेय के जरिए योग के माध्यम से व्यक्ति का विकास और स्वावलंबी बनाने का प्रकल्प शुरू किया गया है। देखिए, कौंतेय मिशन जो हमने शुरू किया है, ये निःशुल्क योग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है एक प्रकार का, और इसमें हम बच्चों का स्किल डेवलप भी करते हैं, सिर्फ न कि इतना ही हम सिखाते हैं कि योग सीखें, वो योग की बारीकियाँ सूक्ष्मताएँ हम सिखाते हैं, उसके वैज्ञानिक लाभ हम उन्हें सिखाते हैं, उनके आध्यात्मिक लाभ हम उन्हें सिखाते हैं, साथ ही हम ये सिखाते हैं किन बीमारियों में किस प्रकार योग करना चाहिए, साथ ही उनका जो व्यक्तित्व का विकास है, मूलतः युवाओं में हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में लेकर व्यक्ति को एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों में वो ओवर थिंकिंग इशूज़ आ रहे हैं, तो इनको बचाने के लिए भी एक जो मिशन कौंतेय बहुत कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें दो चीज़ें मैंने इसमें हम बोल सकते हैं कि टारगेट की है, एक तो ये कि व्यक्ति का खुद का विकास हो और दूसरा वो स्वावलंबी बने, और स्वावलंबी का अर्थ ये कि जब व्यक्ति योग टीचर ट्रेनिंग लेता है और योग शिक्षक बन जाता है, प्रशिक्षण प्राप्त करता है, तो किसी भी जगह पर यानी किसी संस्थान में जाके योग सिखा सकता है, या वो गार्डन में बैठ के 2 लोगों को 4 लोगों को 8 लोगों को योग सिखा सकता है, या घर पे जाके होम विजिट ले सकता है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक रोजगार का एक प्रकार का व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने का
साधन भी हो सकता है योग और साध्य भी हो सकता है। तो निश्चित रूप से यह बच्चों के लिए, युवाओं के लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा और इसी उद्देश्य से मैंने मिशन कौंते की शुरुआत की है। मुझे लगता है कि ऑफिशियल मतलब एक नाम तो अब दिया है मिशन कौंते, पर करीब 10 से 12 साल जब से मैं योग क्षेत्र में तब से ही मैंने बच्चों को फ्री पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो संख्या तो मुझे लगता है हज़ारों के ऊपर चली गई होगी, तो कभी संख्या को तो ध्यान नहीं दिया मैंने। लेकिन हाँ, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि सैकड़ों बच्चों ने यहाँ से सीखा है और आज भी अपने क्षेत्र में एक सफल योग टीचर भी हैं और कई जगह पे वे पढ़ा भी रहे, नेट और PhD क्वालिफाइड भी हुए बच्चे। मिशन कौंते के जरिए सैकड़ों लोगों ने योग का कोर्स किया, जो कि आज बड़े मुकाम पर जाकर योग का संदेश जन जन तक फैला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।